फेस क्लीन करेंगे, मेकअप रिमूवर टिश्यू हैं ये, एक वेट टिश्यू आते हैं, एक मेकअप रिमूवर टिश्यू आते हैं, ये वो हैं। अच्छी तरह से आईज ओपन कीजिए, जो भी काजल वगैरह होगा इसी से सारा रिमूव हो जाएगा आपका। क्रीम लगाई है, सबसे पहले प्राइमर भी लगा दिया मैंने स्किन में, अब निविया की क्रीम लगाई क्योंकि स्किन बड़ी ड्राई है। उसके बाद हम 2 मिनट के लिए रुकते हैं ताकि ऑरेंज कलर करेक्टर जिसको हम लेते हैं, जो भी हमारी स्किन जहाँ से डार्क है वहाँ पे मेकअप हमारा अच्छा आए और इवन टोन लगे, इसके लिए हम सुप्रा का कलर यूज़ करते हैं क्रायलोन का। ये देखिए इससे आंखों के डार्क सर्कल हमारे हाइड हो जाएंगे और जब मेकअप करेंगे तो हम ये दिखेंगे नहीं। और थोड़ी देर के लिए इसे सेट होने के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, जब तक हम आई मेकअप करेंगे जब तक ये सेट हो जाएगा। जो भी डार्क पोर्शन है हमारी स्किन का उसके लिए अब मैं कर ली। देखिए मैंने सुप्रा का कलर लिया है आइवरी शेड, अब आईज बन गई। ये हम कंसीलर है ये यूज कर रहे हैं, इसे हम टीवी पेन स्टिक भी कहते हैं। ये कंसीलर और फाउंडेशन दोनों का काम करती है, इसके लिए अलग से हमें ये नहीं है। पहले मैंने ऑरेंज कलर लगाया है, अब मैं आईब्रो के पास ले रही हूँ बिल्कुल। शेप दूंगी जब तक कि हमारा थोड़ा बेस सेट हो जाएगा। तो मैंने ये लिया है रेवोल्यूशन का आई प्रोमेड, इसमें से मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ आगे फिलअप के लिए। आगे से आप जब भी शुरू करेंगे आपको ब्राउन शेड ही लेना है, उससे क्या है कि अच्छा वो अलग सा नहीं लगता। ये देखिए मैंने लिया ये, उसके बाद मैं ब्लैक ले रही हूँ। ये आईब्रो बहुत पतली हैं तो आप उसको मोटी पतली अपने हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए हर किसी की जो आईब्रो होती है वो आर्च शेप में नहीं होती है, कई लोगों को राउंड पसंद होती है या कई लोगों की राउंड ही शेप होती है। आई मेकअप कंप्लीट किया, अभी मैं दूसरा ले रही हूँ। ये मैंने इसमें से लिया है SFR की है ये, और इसमें से मैंने ये लाइट ग्रीन लिया है। SFR की किट में से लिया है लाइट ग्रीन कलर, जो इनके लहंगे का कलर है ये वाला ग्रीन कलर। और ये आई शेडो पैलेट सिर्फ 60 रुपीज की आती है, आप लोग मार्केट में पता कर सकते हो। फिर लोग पूछते भी हैं रेट कितने का है कितने का है, तो ये सिर्फ 60 रुपए का है। ये मेरी है अर्बन डिकेन की 64 in 1 आई शेडो पैलेट, इसका नाम है 64 in 1 कलर। तो ये मैंने कट क्रीज के लिए जैसे यूज करना है डार्क कलर, आप इधर देख सकते हो ऐसे लिया है मैंने। थोड़ा सा हम इसे ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरह से ब्लेंडिंग जरूरी है आई शेडो की, वरना वो आपको गेटअप नहीं आएगा आईज मेकअप में जो आपको चाहिए। अब मैं इस ब्रश से अपने ब्लेंड करूंगी इसे अच्छी तरह से। अब हम इसे कट क्रीज के लिए दोबारा से लेंगे कलर को,
जब तक हमारा हमें वो कलर नहीं मिल जाएगा। फिर से मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है और फिर से हम इसे क्रीज में लेंगे इस तरह से। ये अर्बन डिकेन का ये है कलर। जब ड्रेस का कलर ज्यादा लाइट होगा तो हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे आई मेकअप, क्योंकि इतना लाइट मेकअप करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये है मेरा ब्रश, कंसीलर ब्रश, और मैं इससे लाइन बना लूंगी कट क्रीज के लिए। बना ली और इसे मैंने हाथ से ही इस तरह से सेट कर दिया। मैंने इस पे कॉम्पैक्ट नहीं लगाया। अब ये है मिस रोज की ग्लिटर आई शेडो पैलेट। मैंने इसमें से ऐसा सिल्वर शेड लिया। बहुत इजी मेकअप मैंने सिखाया है। ये देखिए इनकी ड्रेस में सिल्वर और ग्रीन है और इसमें ये मुझे मल्टी कलर में मिल गया है, जो कि मैं इस तरह से इनकी आईज पे सेट कर दूंगी सीधा कंसीलर के ऊपर। हम ज़्यादा डार्क डार्क कलर करेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इससे जो है हमें हमारी ड्रेस का कलर सेम मिल रहा है। ये देखिए ये हमारी सेम ड्रेस का कलर आ गया जो हमें चाहिए था। और इसमें पूरा नीचे तक ग्लिटर होता है, ऐसा नहीं है। ये आई शेडो पैलेट जो है ये 430 रुपीज की आपको पड़ेगी। और इसमें हम आगे आगे सिल्वर इस तरह से जैसे मैंने उधर किया ऐसे ही सिल्वर हमने इधर कर दिया। और इसमें हमने ये बीच में ये इनके लहंगे के जो कलर थे सेम हमें मिल गए। हमें कुछ ज़्यादा महंगा वो मतलब ज़्यादा मुश्किल वो नहीं करना पड़ा मेकअप। आप ऐसे ही सिल्वर आगे थोड़ा सा साइड पे दे सकते हैं सेंटर में, वो भी अच्छा लगता है। ग्लिटर और इससे भी मैं इस तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी तो इससे हमारा ये कट क्रीज की शेप बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। ये लिक्विड ग्लिटर है मेरा, ये आप ऐसे कट क्रीज की तरह यूज करेंगे तो आपका अच्छा लगेगा लास्ट में लुक। ये लिक्विड में है ये देखिए। और ये भी मेरा है फैशन कलर का, ये इसे हम सेट करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब शेड मिक्स हो गया सिल्वर और ग्रीन का, तो कितना अच्छा आपका लुक लगेगा। और लास्ट में हम इसमें जब यूज करेंगे हम इसमें गोल्डन डार्क ग्रीन कट क्रीज में लास्ट में देंगे। अभी हम भी पढ़ाऊंगी मैं बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही आपको दिखा रही हूँ। अब हमें इनके आईज पे दोबारा आना है जो मैंने बेस बनाया है फेस का। अब मैंने इनकी आईज पे दोबारा आईलैशेस वगैरह मतलब लगानी है तो उसके लिए मैंने नीचे लूज पाउडर लगा रही हूँ। आप लूज पाउडर की जगह कोई भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं या जो भी ब्रांड का आपके पास हो आप वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब इसके बाद मैं कर रही हूँ कॉन्ट्यूरिंग साथ में। कॉन्ट्यूरिंग के लिए है मेरी ये मिस रोज की पैलेट, ये देखिए और इसमें मेरे कॉन्ट्यूरिंग के सारे शेड हैं। इसके लिए मैंने कॉन्ट्यूरिंग के लिए ये ब्रश लिया है अपना। और ये कॉन्ट्यूरिंग के लिए हम ऐसे इस तरह से हमें चलाना है। कॉन्ट्यूरिंग के लिए मैंने ये शेड लिया है, मिस रोज की पैलेट है ये।
ये हमारे कान के पास से हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से लेना है। ये हम नीचे नेक का एरिया लेंगे क्योंकि डबल चिन नहीं दिखती है हमारी इससे। और हम ऐसे ही नोज से ही नोज की भी हम कॉन्ट्यूरिंग कर रहे हैं ऐसे ही इस तरह से सेट कर दी। इस तरह से हमारी आईलैशेस स्टार्ट हो गई। वीडियो स्टार्ट है। दस परसेंट बैटरी है, ऑन हो गया है। सीधा करो, ऊपर देखो।